बहुत कारणों से बाल्डनेस या तो हेयर फॉल का इशू आता है, तो वो थोड़ा उनके लुक को लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो इसके लिए वो हेयर सिस्टम्स में जा सकते हैं। हेयर सिस्टम्स में हेयर पैच आते हैं और हेयर विग आते हैं, बट लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि वो हेयर पैच लगाना है या उनको हेयर विग लगाना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेयर पैच और हेयर विग के डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हेयर पैच, पैच का मतलब जो जगह खाली है उसको भरना। तो बहुत लोगों के साथ कैसा होता है कि पूरा स्काल्प पे बाल्डनेस नहीं रहता है, कुछ कुछ जगह में बाल्डनेस रहता है, या तो फ्रंट में या तो क्राउन एरिया पे। तो कैसा होता है कि उसके स्काल्प के साइज का, मतलब जहाँ पे उनका बाल्डनेस है वहाँ का साइज लेके वो पैच लगा सकते हैं ताकि वो बेहतरीन लुक पा सके। दूसरा कैसा रहता है, बहुत सारे एलोपेसिया के पेशेंट रहते हैं या जिनके स्काल्प पे कुछ भी बाल नहीं होता है, तो उनको आगे से पीछे तक पूरा विग लगाया जाता है, मतलब उनका पूरा स्काल्प को कवर करने के लिए विग लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उनको अच्छा लुक मिल सके। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में यही डिफरेंस है कि जिनको कहीं कहीं पे बाल्डनेस है या तो हेयर फॉल है तो वो पैच लगाते हैं, और जिनको पूरा स्काल्प पे कहीं भी बाल नहीं है, पूरा बाल्डनेस है, तो वो हेयर विग लगाते हैं, ठीक है। बट एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों कि हेयर विग या हेयर पैच लगाने से पहले हमें ये चेक करना जरूरी है कि जो पैच में हेयर्स यूज किए गए वो नेचुरल हेयर है या सिंथेटिक है या फाइबर हेयर है। क्योंकि आप पैच या विग किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आपको नेचुरल लुक आ सके, और अगर फाइबर या सिंथेटिक रहा तो उससे आपको नेचुरल लुक नहीं आएगा। नेचुरल लुक के लिए आपको नेचुरल हेयर वाले ही पैच या विग लगाना चाहिए। तो जो लोग हेयर पैच या हेयर विग लगाना चाहे, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके, हमारा सेंटर पुणे में है हेयर विग हेयर पैच के लिए, तो आप हेयर पैच या हेयर विग लगाने के लिए आ सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।